हेलो गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में फिर से खेल रहे हैं टैक्सी बॉस और आज इसका एपिसोड नंबर है 3। तो अब तक गाइस मैंने यहाँ पे जो अपनी कार खोली है वो है 4.1 रेटिंग की, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। और मैं मिडिल क्लास लोगों को यहाँ पे टैक्सी राइड्स देनी स्टार्ट कर चुका हूँ। और मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे मैं हाईएस्ट रेटिंग तक पहुँच जाऊँ, जो कि गेम की फाइनल रेटिंग होगी। लेकिन वो आसान नहीं होने वाला है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो रोबलॉक्स की कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो कि भाई एक दिन में यहाँ मतलब ख़त्म हो जाती है, फास्ट रिबर्थ वगैरह रह जाता है उसमें, लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये उनमें से एक गेम है जो कि तुम काफ़ी मेहनत से एक दिन में ख़त्म कर पाओगे। मुश्किल बहुत है क्योंकि नहीं अपडेट्स वगैरह भी काफ़ी कुछ होता रहता है अपग्रेड्स, तो मेरे को लग नहीं रहा है एक दिन में हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एपिसोड वाइज खेल लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नहीं तो बोरिंग हो जाएगी, मैं एक ही में सारा कुछ डाल दूंगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। और तुम लोगों ने जस्ट देखा कि यहाँ पे मैंने एक बंदे को छोड़ा और मेरा मकसद था यहाँ पे ग्लास प्लेन लेना। तो मैं अब कुछ अपग्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो अपनी शॉप में अपग्रेड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक ही ग्लास प्लेन की आवश्यकता थी। तो ये रहा भाई मेरा शॉप जो कि अपग्रेड होगा। और जैसे मेरी शॉप अपग्रेडेड होगी तुमको पता है न्यू कार्स मेरे लिए खुल जाएंगी, और जबकि मुझे उनके लिए पैसे देने होंगे पर अनलॉक्स हो जाएंगी कि मैं खरीद सकता हूँ करके। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ भाई कार खरीदने। तो देखते हैं भाई कोई अच्छी सी कार। अभी मेरे 4.1 रेटिंग की है तो हमें उससे हायर रेटिंग की लेनी होगी ताकि मैं ज़्यादा अच्छे बंदे बिठा सकूँ अपनी गाड़ी में। तो ये रही 4.1 और जो कि मेरे पे ऑलरेडी है, और अभी मेरे लिए खुली है एक न्यू कार जो कि 4.2 की है। तो इसे मैं लेना तो चाहता हूँ और मेरे पे पैसे भी ठीक ठाक हैं। तो ये रही भाई कार मेरी। तो अब इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा लेते हैं क्योंकि भाई ये पीला कलर थोड़ा सा गंदा लगता है टैक्सी में। तो मतलब है तो टैक्सी फिर भी, लेकिन पीला कलर मतलब मुझे मज़ा नहीं आता इसमें। तो हम लोग कुछ नया कलर ले लेते हैं, और ये ब्लू मुझे काफ़ी ज़्यादा जच रहा है तो ये मैंने ले ली। और थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन टायर्स और उसमें मैंने की। तो ये रहा भाई फाइनल जो रूप है इसका। अभी भी मैं बिठानी पर कौन आया भाई गाड़ी मार दी बीच में। तो ये रही मेरी फाइनल कार। और अभी कुछ एक न्यू मशीन खुला है कि हमें रेत लेके आनी है सैंड, और हमें काफ़ी मतलब देखना पड़ेगा भाई कहाँ है सैंड। अभी तक वैसे मैंने सैंड का एक मिशन पहले भी किया है, लेकिन वो मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि मुझे मतलब मेरी गाड़ी डूब गई थी सैंड में ही। तो मेरे को लग रहा है आज भी जाएगी, पक्का जाएगी देखना। तो अभी हम लोग पिकअप कर लेते हैं सैंड और कहीं ना कहीं अरे भाई पीछे ही ले गया भाई सैंड का मेरे को। और इस गाड़ी के ना मतलब इंजन अच्छा नहीं भाई, पावरफुल नहीं है। या तो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा या मुझे कार ही अपग्रेड करनी पड़ेगी। मुझे वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कार अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि मिशन ख़त्म करते हैं। अरे भाई ये मेरे को लग रहा है कि उसे छोड़ना ही पड़ेगा मुझे इसको, मैं निकाल नहीं पाऊँगा बिल्कुल भी। तो मैंने इसको छोड़ दिया, सिर्फ पानी में फेंक दिया। और इस मिशन को दोबारा करते हैं हम लोग क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो गया था मेरे लिए। तो ये बैठ गया मैं सैंड में, मतलब कार में बैठ गया, और लेट्स गो फॉर द सैंड। ये सामने भाई सैंड का है और मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से कूद जाऊँ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं जगह एंट्री पॉइंट। तो लेट्स फाइंड सम एंट्री पॉइंट्स। यहाँ पे मुझे सीढ़ियाँ दिख रही है और कार नीचे फेंक देते हैं क्योंकि यहाँ पे डैमेज तो होती नहीं कार गेम में। तो अभी हम लोग कर देते हैं भाई इस मिशन को कम्प्लीट, लेट्स गो फॉर द सैंड भाई। अभी मेरे को लग रहा है कि इस बार मुझे होप्स हैं कि मैं कर लूँगा इस मिशन को कंप्लीट। और मुझे ध्यान रखना होगा कि ये पीछे ना चली जाए क्योंकि पता इसकी फिजिक्स तगड़ी है यार, मतलब पीछे कैसे चली गई, मतलब बाहर मतलब लिटरली फील हुआ होगा फिजिक्स में। तो चलो चलते हैं। कहाँ से भाई, यहाँ तो कोई रास्ता है नहीं, मुझे सीधे जा के देखना पड़ेगा। थोड़ा मुझे लग रहा है सीढ़ियों से नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे रैंप ही चाहिए था। तो रैंप से आ गए हम लोग और फाइनली हमें डेस्टिनेशन मुझे दिख नहीं रहा भाई कहाँ पहुँचानी है इसको। अभी मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा इधर उधर होके क्योंकि मुझे कुछ पता लग नहीं रहा है। तो अच्छा पीछे है मेरे, जस्ट पीछे है, मैंने देख लिया भाई। मैं फिर भी मैं थोड़ा बहुत मैप चेक कर रहा था उसके बाद क्योंकि मुझे उस वक्त दिखा नहीं था, अभी मैं जब वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे दिख गया। तो ये रहा भाई हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट, लेकिन मुझे इसके अंदर घुसेड़नी पड़ेगी भाई, गाड़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो इसे सांप बना के ले चलते हैं। अरे भाई 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 फिर आगे चले गए हमारी। ये गाड़ी बहुत मतलब घटिया यार चलाने के लिए, सही बताऊँ मज़ा नहीं आ रहा इसको चलाने में, आवाज़ भी कर रही थोड़ा। तो चलो भाई हम लोग फाइनली पहुँच तो गए अपनी शॉप पे इस मिट्टी को लेकर, पर मुझे समझ नहीं आ रही इस मिट्टी का यूज़ क्या है।
तो आई थिंक अपग्रेडेशन में कुछ लगता होगा, इसका कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे मेरे सारे मिशंस पूरे हैं तो हम लोग का शॉप को फिर से अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये रही भाई कुछ रैम, मतलब यहाँ पे शेल्फ्स खुल गई मेरी और कार्स भी खुल गई भाई। तो कार्स देखते हैं भाई कौन सी खुली हैं। तो इसके लिए अगले मिशन के लिए मुझे चाहिए ग्लास प्लेन 2, और अगले के लिए तो 2 कट्टे सीमेंट चाहिए था, वो मेरे पे ऑलरेडी है। तो देखते हैं भाई कौन सी कार्स खुली, मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पे मेरी कार नहीं, कोई कार यहाँ पे मैं उसके लिए जा रखी है अपग्रेड होने के लिए, वो मैंने डाल रखी है। तो अभी थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते हैं क्योंकि 44 था। तो गाइस चलो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देते हैं। और तुमको एक गजब की चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि ये बंदा जो है ना, तुम लोग लास्ट में वीडियो के ज़रूर देखना जब इसकी राइड ख़त्म होगी जो अभी मेरे साथ चढ़ा, तो ये बंदा इतने पैसे भर भर के देगा ना। और तुम लोग देखना कि मतलब जो मुझे चाहिए ग्लास प्लेन वगैरह सब कुछ दे देगा, तो जो कि काफ़ी मतलब मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज़ की कमी है कि भाई बहुत दूर जा रहा है ये, मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ले जानी पड़ेगी मुझे कार को। तो उसकी तो कोई बात नहीं, चलो ले चलते हैं। लेकिन $5,000 भी तो देने वाला है ये, तो चलो चलते हैं भाई। गाइस यहाँ से हम लोग सीधे और ब्रिज को पार करते हैं। अब तो मुझे यहाँ पे इस वाले मैप में थोड़ी चीज़ें याद होने लगी मैप का, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट बिना मैप देखे भी कभी कभी चल देता हूँ। हालांकि मैं कभी कभी गलत रास्तों पे भी आ जाता हूँ, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो आ गया भाई हमारा मैप रीडिंग, 800 समथिंग मीटर लिखा हुआ है। चलो चलते हैं फिर फटाफट से। और यहाँ पे मैं गाड़ी भगाने वाला हूँ फुल स्पीड में, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बहुत ठोकूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थोड़ी रेटिंग कम भी कर देगा तो चलेगा, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे तेज़ जाना है, क्योंकि 800 मीटर अगर मैं एक ही में लगा रहूँगा तो भाई बात नहीं बनेगी। और मेरे को जब हायर कार्स मिलेंगी तो और भगाना चाहता हूँ मैं ऐसे कार्स में। और यहाँ पे मैंने एक रेस में भी पार्टिसिपेट लिया था, लेकिन वहाँ पे बुरी हार हुई मेरी, मेरे को मतलब भगा दिया गया। तो गाइस वीडियो में बस जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को दिल से थैंक यू। हमारा यहाँ पे स्टॉप भी आ गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।